हेलो स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो वी विल डू द क्वेश्चन आंसर एंड एक्सरसाइज वर्क ऑफ लेसन 4। फर्स्ट है आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। दे आर प्रीव्यूड डाटाबेस टेम्पलेट। इट इज डाटाबेस ऑब्जेक्ट दैट कैन स्टोर डाटा अबाउट पर्टिकुलर सब्जेक्ट टेबल। दिस की कंसिस्ट ऑफ वन और मोर फील्ड that uniquely identify each records that you store in a table. Primary key. This key contains value that correspond the value in the primary key to another table, foreign key. ठीक है, it is assigned to each field based on the data entered, data type. Right, true and false. A web database is a standard access database. False. Each field contains data about one instance of the table subject. False. A record defines one of the field characteristic. True. You can enter an alphanumeric characters in a numeric field. True. Table consists of data type and data type are a certain field. False. Next, aapke fill in the blanks. A field is commonly called a column or an attribute. A record consists of field value. A record is commonly called a row or an instance. Table property in an access database are attributes of a table. ठीक है, attributes. OLE stand for object link embedding. ऑटो नंबर आर यूनिक सिक्वेंशियल नंबर और रैंडम नंबर विच आर ऑटोमेटिकली इंसर्टेड व्हेन यू क्रिएट रिकॉर्ड। ओके, सिक्वेंशियल, रैंडम एंड रिकॉर्ड। ठीक है, फॉर्म लेट यू मे एड एडिट डिलीट डाटा इन योर एक्सेस डेस्कटॉप डेटाबेस। ओके, नेक्स्ट है आपके answer of the following in one word. It is an information management tool that help you to store information. Microsoft Access. ठीक है, Microsoft Access is an information management tool. They are designed to be compatible with Access web publishing tool web database. In this view you can name table column and apply constraint over them from field properties design view. It consists of record and field table. This data type is used for long piece of text such as article, body text, note, blog post, etc. and can store up to 64,000 characters memo. Okay, first me Microsoft Access, second web database, third design view, fourth table, फिफ्थ मेमो। ओके, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन आंसर। राइट द स्टेप फॉर एडिंग फील्ड टू अ टेबल। पेज नंबर 53 पे ओपन करेंगे आप इसके लिए। हेडिंग है टू एड फील्ड टू अ टेबल। क्वेश्चन फर्स्ट का आपको इसमें 7 स्टेप्स है ना, ये 7 स्टेप्स राइट कर लेने हैं। कि आप ये ऑल 7 स्टेप राइट कर लीजिएगा। स्टेप फर्स्ट क्लिक द एड न्यू फील्ड कॉलम लेबल। स्टेप टू एक्टिवेट द डाटा सीट टैब। स्टेप 3 क्लिक रीनेम इन द फील्ड एंड कॉलम ग्रुप। स्टेप 4 टाइप द फील्ड नेम। स्टेप 5 प्रेस एंटर द फील्ड विल बी क्रिएटेड। स्टेप 6 टाइप द टेक्स्ट फील्ड नेम द फील्ड विल बी क्रिएटेड। स्टेप 7 प्रेस एंटर विदाउट एंटरिंग अ फील्ड नेम टू एंड योर एंट्रीज। ओके, कंप्लीटली आपको 7 स्टेप्स में राइट कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक्सप्लेन द टेबल प्रॉपर्टीज इन एक्सेस। पेज नंबर 55। हेयर टेबल प्रॉपर्टीज इज एन एक्सेस डाटाबेस आर एट्रीब्यूट्स। ये आप कंप्लीटली 3 लाइन्स राइट कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ तक ये 2 लाइन्स है ना आपकी, राइट कर लीजिएगा उसको। हेयर टू हेयर 4 टेबल प्रॉपर्टीज के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है आपका व्हाट इज डाटा टाइप एक्सप्लेन की। पेज नंबर 56। फर्स्ट
फर्स्टली आप राइट करेंगे डाटा टाइप क्या होते हैं. डाटा टाइप इज अ फील्ड प्रॉपर्टी. यू कैन सेट अ फील्ड डाटा टाइप इन अ टेबल डिजाइन ग्रिड इन अ फील्ड प्रॉपर्टीज पेन. यू कैन क्रिएट अ न्यू फील्ड इन एक्सेस बाय एंटरिंग द डाटा इन अ न्यू कॉलम इन डाटा सेट व्यू हेयर टू हेयर. फिर आपको क्या राइट करना है, कीज के बारे में राइट करना है. फील्ड दैट आर अ पार्ट ऑफ टेबल रिलेशनशिप आर कॉल्ड कीज. अ की कंसिस्ट ऑफ वन फील्ड यूजली वट मे कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन फील्ड. ठीक है, अब आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना उसमें आपको प्राइमरी की और फॉरेन की को एक्सप्लेन करना है. ठीक है, तो आप इसके बाद जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 उसका आंसर राइट करेंगे. देयर आर टू काइंड ऑफ कीज. प्राइमरी की, प्राइमरी की में आप ओनली अ प्राइमरी की इज आइडेंटिफाई बाय द की आइकन नेक्स्ट टू द फील्ड नेम. देयर इज ओनली वन प्राइमरी की इन आर टेबल. A primary key consists of one or more fields that uniquely identify each record that you store in the table. Here to here. First heading आप primary key write करेंगे, उसके बाद आप here to here write करिए. Next आप heading write करेंगे foreign key. ठीक है, तो आपको ये complete 3 lines है. Here to here. आप इसको completely write कर लीजिएगा. Okay. नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, एक्सप्लेन फॉर्म इन एक्सिस 2010. राइट द स्टेप फॉर क्रिएटिंग फॉर्म. पेज नंबर 58 है ना आपका, इसको ओपन करेंगे आप. फॉर्म इन एक्सिस 2010, पहले आपको ये राइट करना है, तो आप इसको कंप्लीटली राइट कर लीजिएगा हेयर टू हेयर. ओके, उसके बाद आपको हेडिंग राइट करेंगे क्रिएट फॉर्म इन एक्सिस 2010, तो आप इसको पूरा राइट करेंगे. टू स्टेप, आपके टू स्टेप्स आ जाएंगे इसमें. उसके बाद आप यहाँ तक इसको ओके तक राइट कर लीजिएगा. नेक्स्ट पेज पर ओके है ना, यहाँ तक थोड़ा लेंथी आंसर है ये आपके. यहाँ पर टू क्वेश्चन ऐड हो रहे हैं ना आपको. फर्स्ट क्वेश्चन है आपका इसमें एक्सप्लेन फॉर्म इन एक्सिस 2010. ठीक है, इसको एक्सप्लेन करना है. उसके बाद आपको स्टेप राइट करने क्रिएटिंग फॉर्म्स के. ठीक है, तो आपके ये स्टेप्स हैं, स्टेप्स को इसको कम्प्लीटली राइट कर लीजिएगा. फिर आपको फिर ये टाइप द नेम फॉर द फॉर्म एंड क्लिक. ठीक है, हेयर हेयर फॉर्म इन एक्सिस 2010, इसको पूरा कम्प्लीटली राइट करेंगे. उसके बाद आप ये स्टेप भी राइट करेंगे और नेक्स्ट आपको यहाँ लास्ट कर देना है. ओके, आपका ये लेसन कम्प्लीट हो गया. ऑल क्वेश्चन आंसर एंड एक्सरसाइज वर्क कम्प्लीट है. आपको अपनी नोटबुक पे ओनली क्वेश्चन आंसर्स करने हैं. ठीक है, और एक्सरसाइज वर्क आपको अपनी बुक में करना है. आप इसको अच्छे से रीडिंग कर लीजिएगा, लर्न कर लीजिएगा. ओके, थैंक यू.